आज जब हम और ज्ञानेंद्र केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुंचे तो हमें पुराने दिन याद आ गए और हम लोगों ने नेट्स पे बैटिंग और बॉलिंग की। कितना वो समय याद आ गया जब हम लोग यहाँ पर ऐसे ही घंटों नॉकिंग किया करते थे, घंटों प्रैक्टिस किया करते थे और ज्ञानेंद्र और हमारे अन्य दोस्त ऐसे ही बॉल डाला करते थे। तो वो केडी सिंह बाबू स्टेडियम और वहाँ की यादें और अपने पुराने साथियों के साथ बिताए हुए पल एकाएक जैसे फिर से मेरे दिमाग में कौंधने लगे और मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा ज्ञानेंद्र भाई के लिए जिन्होंने इतना अच्छा इंटरव्यू हम लोग के साथ किया और मुझको बॉल डाली और मुझे जैसे लगा कि मेरा बचपन फिर लौट आया है। तो आज का ये वीडियो प्लीज़ आप लोग इसको देखिएगा, एंजॉय करिएगा। हम लोग एक नई यादों के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। तो आज हम लोग इकाना स्टेडियम में आए। इकाना स्टेडियम वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियमों की कड़ी में लखनऊ को एक बहुत ऊंचे मापदंड पे ले गया और हम लोग की एक पहचान बनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इकाना के द्वारा। मेरे साथ ज्ञानेंद्र भाई हमारे आदरणीय। मैं ज्ञानेंद्र भाई ने इतना लंबा कैरियर रहा इनका क्रिकेट में और उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया, इंडिया से रिप्रेजेंट किया। मैं एक चीज मिसिंग थी कि यूपी के बेस्ट आपको कौन से अच्छे खिलाड़ी आपके सामने गुजरे उनके बारे में कुछ जरूर बताएं। देखिए, मैं कप्तान के रूप में भी रहा, मैं एज ए मैनेजमेंट के रूप में भी रहा, एज ए कोच भी रहा। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उत्तर प्रदेश में रह के ही मैंने पूरा क्रिकेट खेला, पूरा उत्तर प्रदेश में रह के हर चीज़ का क्रिकेट में, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे खिलाड़ी के रूप में हो, वो अनुभव मुझे प्राप्त है। मुझे सबसे टैलेंटेड क्रिकेटर में जो लगा मेरे अंडर में, एज ए कोच आरपी सिंह भी खेले हैं, प्रवीण कुमार, भुवनेश कुमार, पीयूष चावला, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, प्रवीण कुमार, और सबसे टैलेंटेड जो मुझे खिलाड़ी लगा वो सुरेश रैना लगे। उनका पहला मैच मेरी कप्तानी में था गुवाहाटी, उन्होंने उसमें 45 रन बनाए और उसके बाद मेरे साथ उनकी पार्टनरशिप भी रही, दो तीन पार्टनरशिप मैंने कैफ के साथ भी काफ़ी पार्टनरशिप करी है, चाहे दिलीप ट्रॉफी हो चाहे दिव्य ट्रॉफी हो, लेकिन जो उसमें टैलेंट रैना में था, नेचुरल टैलेंट, वो मुझे बहुत कम लोगों में लगा। प्रवीण कुमार भी एज ए स्विंग बॉलर बहुत बड़े रहे हैं, आरपी सिंह भी बहुत बड़े बॉलर रहे हैं और पीयूष चावला बैटिंग बॉलिंग में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। जब मैं कोच था तो 490 रन हम लोगों ने चेस किए थे कनाडा के खिलाफ, पीयूष चावला ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसमें तन्मय ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो कुल मिला के हमारे यूपी में काफ़ी अच्छे क्रिकेटर रहे और जैसे हमारे समय में रिजवान, जैदी, उबैद कमाल, सैफ, कैफ था, कैफ हमसे जूनियर थे, तो ये सब काफ़ी मेहनती, कैफ मेहनती खिलाड़ी रहे हमेशा। तो ये मेरा तजुर्बा रहा है उसमें। रैना ने हमेशा, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग भी वो करता था, चाहे फील्डिंग भी करता था, आज भी हमेशा उसने हौसला ही बढ़ाया। कनु भाई, इतना बढ़िया स्टेडियम लखनऊ में हम लोगों को मिला, इसके बारे में आप जरूर दो शब्द कहिए। सर, मैं पहले उदय सिन्हा साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे बड़े भाई का टूर्नामेंट जब हुआ था, जब ये इकाना स्टेडियम बन रहा था, पहली मुलाकात मुझे भैया जी के की वजह से, टूर्नामेंट की वजह से उदय भाई से हुई थी और ये स्टेडियम श्रीनाथ साहब ने वर्ल्ड के बेस्ट स्टेडियम में इनका नाम बोला है और यहाँ इंटरनेशनल हम लोग ऐसे बचपन में ऐसे केडी सिंह बाबू में खेले हुए हैं, ग्रीन पार्क हॉस्टल में खेले हुए थे, हालांकि ग्रीन पार्क भी बहुत अच्छा स्टेडियम रहा, लेकिन जो ये स्टेडियम बना है और उदय भाई ने जो ये स्टेडियम बनाया है, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक वरदान साबित है और जितने भी बड़े मैचेस, सब खिलाड़ी भी यहाँ आके खुश होते हैं। तो लाइवली माहौल है, इतना बड़ा स्टेडियम अभी तक उत्तर प्रदेश में ना हुआ है, आगे का मुझे पता नहीं, लेकिन आज की डेट में ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम और बहुत खूबसूरत स्टेडियम है। कितनी अच्छा स्टेडियम, हम लोग यहाँ जुड़े आज ज्ञानेंद्र भाई से। अंत में मैं ज्ञानेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और कहूंगा कि आपने जो आज हम लोग से जुड़ के जो आशीर्वाद दिया है उसका मैं हमेशा रेडी रहूंगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय।
और आज इतनी बड़ी हस्ती मेरे साथ खड़ी है कि मुझे भी मेरे शब्द बिल्कुल भावशून हो गया हूं मैं। लेकिन मुझे याद है कि मेरे मित्र, बचपन के सखा, मेरे गुरु जितेंद्र पांडे, जिनको मैं हमेशा नमन करता हूं और जो कुछ भी हूं उन्हीं के कारण हूं और आज इस जगह पे हूं। मुझे याद है एक उम्र होती है 10th class में जब आप के बहुत ही संभावनाएं आपकी लाइफ में ऐसी होती हैं कि अनेक तरीके के रास्ते आपके लिए खुल रहे होते हैं, अनेक सोच आपके लिए हो रही होती है और उस समय आपको अच्छे दोस्तों की संगत करनी होती है। तो मैं उस महान आत्मा को हमेशा श्रद्धांजलि देता हूं कि जितेंद्र पांडे जी मेरे जीवन में आए और उन्होंने मेरे जीवन को परिवर्तित किया। वो मेरे गुरु थे, मेरे मित्र थे और मेरे भाई थे। मैं हमेशा उनको मिस करता हूं और आप जहां भी होंगे, मुझे मालूम है आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि आप हमेशा हम लोग के लिए मार्गदर्शन देते रहोगे। आज मैं ज्ञानू भाई के साथ हूं और बताता चलूं, जितेंद्र भाई हम लोग के, ज्ञानेंद्र भाई के बड़े भाई थे और मेरे तो मित्र थे ही थे। तो ज्ञानू भाई, पहले मैं चाहूँगा कि उनके बारे में दो शब्द आप ज़रूर बोलें। जितेंद्र भाई तो मेरे बड़े भाई थे और मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो पिता तुल्य भी थे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मेरे बड़े भाई का नाम आप ले रहे हो, मुझे भी गौरवान्वित फील हो रहा कि मैं जितेंद्र भाई का छोटा भाई रहा हूँ। उन्होंने मेरे लिए कुछ भी किया, जो मैं आज जो भी कुछ हूँ, चाहे अदना सा हूँ, वो उनकी बदौलत ही। वो मुझे डांटते तो मुझे उस समय बड़ा ख़राब लगता था। ये छोटे बच्चों को भी ये शिक्षा होनी चाहिए, कोई आपको नेगेटिव चीज़ बता रहा है या आपको पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट के लिए बता रहा है तो आपका दुश्मन नहीं होगा। आज मैं उनको मिस करता हूँ, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया तो मुझे बड़ा अफसोस है। लेकिन उनके जो बेटे हैं वो सब भगवान के आशीर्वाद से फलफूल रहे हैं। और मतलब उनके एक्सीडेंट भी हो गया था, मैं उनका किस्सा बता रहा हूँ। उनका हाथ नीचे का आधा धड़ काम नहीं करता था, तब भी वो ऐसा फील होने ही नहीं देते थे कि उनका नीचे का धड़ काम नहीं करता। वो नैपी लगाते 100% की नर्व डैमेज हो गई थी कार एक्सीडेंट में। वो मरने से पहले 53 ईयर की उम्र में वो डेथ हो गई। लेकिन मैं आज भी इनको मिस करता हूँ। उनकी विल पावर जितनी थी वो हम लोगों में 1% भी नहीं रही। वो मुझे 5 बजे उठाने के लिए डांटते थे, वो मेरे अच्छे के लिए हमेशा डांटते थे। मैंने उनका इतना कहना नहीं माना, इसलिए मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं बन पाया। लेकिन भैया जी ने जितनी भी मेले किया है, मैं ज़िंदगी भर उनको, कहीं भी रहे भगवान उनको दुखी ना करे, ये मैं उनके लिए इतना ही बोल सकता हूँ। कितनी बड़ी बात ज्ञानेंद्र भाई ने हमारे जितेंद्र जी के लिए कही। वो जितेंद्र जो हम लोग का मैच देखने ग्रीन पार्क स्टेडियम आते थे और हम लोगों से मिलते नहीं थे, वो सीढ़ियों के नीचे से हम लोग का मैच देखते थे और चुपचाप चले जाते थे। वो डिस्कशन हम लोग को बाद में समझाते थे कि तुम ऐसी बैटिंग की और तुम ऐसी बॉलिंग की। तो मैं हमेशा उन जितेंद्र भाई को याद करते हुए आपको मैं परिचय कराऊं ज्ञानेंद्र भाई के बारे में। एक महान हस्ती उत्तर प्रदेश क्रिकेट की, और इन्होंने उत्तर प्रदेश की कप्तानी की U15, U17, U19 तीनों फॉर्मेट पे इंडिया कैंप अटेंड किया। इंडिया U19 से टूर किया इन्होंने पाकिस्तान का, और रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के कप्तान तो रहे इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा चयन करता रहे और जूनियर सिलेक्शन कमेटी के, इंडिया टीम के चयन करता रहे और यूपी टीम के कोच रहे। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी हस्ती मेरे बगल में खड़ी है। और मुझे यहाँ तक मालूम है कि इन्होंने हर फॉर्मेट में, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, सब में इनके रन्स हैं। और ऐसे रन्स हैं जो आप बैटिंग अगर इनकी देखते थे तो हम लोग सोचते थे कि कैसी बैटिंग कर रहे हैं, कैसी स्टाइल थी इनकी। तो मैं आज उन्हीं ज्ञानेंद्र भाई को आप लोगों से जोड़ता हुआ, ज्ञानेंद्र भाई कुछ हमारे यंगस्टर्स के लिए कुछ मैसेज। पहली बात तो मैं केडी सिंह बाबू में खड़ा हूँ, यहाँ मेरा बचपना बीता है। मैं अपना सफ़र ऐसे स्टार्ट करता हूँ, मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था। मैं साइकिल से चारबाग इंडोर स्टेडियम, इंडोर हॉस्पिटल के सामने रहता था। मेरे फादर रेलवे में कंपनी कमांडर थे, तो मैं साइकिल से जाता था, सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ से आना जाना मेरा साइकिल रहता। फिर मेरे जितेंद्र भाई, बड़े भाई, मुझे साइकिल से लेके भाई चारबाग से केडी सिंह बाबू आते थे। पीयूष भाई, हम लोग सब हमारे सीनियर रहे, LRC क्लब के कप्तान रहे। आरिफ भाई कहते, यहाँ रोहित चतुर्वेदी सर हम लोगों को
सिखाते थे, वो मैंने आज केडी सिंह बाबू बड़े दिनों बाद आया हूँ, वैसी प्रैक्टिस मैंने 25 से 30 साल देखी, ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती थी, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो। उसमें हिमांशु बनवाल जी थे, सिराज भाई हमारे राइट आर्म एक्सपीरियंस थे जो कि ग्रीन पार्क हॉस्टल में थे, वो हमारे सीनियर थे। आरपी सिंह थे जो सीनियर, आरपी सिंह थे जो अभी इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए, ये सब हम लोग, टीके भट्टाचार्य सब बहुत राइट आर्म एक्सपीरियंस थे, ये सब हमारे मार्गदर्शन थे, करते थे, तो हम लोग उन्हीं से सीख के यहाँ नेट्स करते थे। रोहित सर हमारे कोच थे, उन्होंने दो दो घंटे हम लोग को बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब करता है, पानी बरसता है तो रनिंग करते थे। ऐसा मैंने केडी सिंह बाबू में 30 साल जो माहौल देखा, वो इतना अच्छा माहौल आज तक नहीं देखा मैंने। मैं ज्ञानेंद्र भाई की एक विशेष बात बताऊंगा कि जब भी ये मैच खेलते थे, इनकी हमेशा ये कभी भी हार नहीं मानते थे, काहे जैसी भी सिचुएशन हो ये जीतने के लिए खेलते थे, और हम लोगों को लगातार इसी यही भावना से को जागृत करते थे, कैसी भी सिचुएशन आ जाए हमको मैच जीतना है, हमको परफॉर्मेंस करनी है। ये जज्बा मैंने अभी बहुत से खिलाड़ियों में नहीं देखा, यही जज्बा इनको इंडिया तक खिला के आया। ज्ञानेंद्र भाई, स्पोर्ट्स हॉस्टल की हम लोग बातें करें, कुछ पुरानी यादें वहाँ की। स्पोर्ट्स हॉस्टल में हमारे वीवी पंत साहब कोच थे, लक्षराज त्यागी साहब कोच थे, मैं, रामबाबू पाल, पीयूष भाई लखनऊ से, हम लोग, पीयूष भाई हमारे कप्तान थे, हॉस्टल में मिल गए, मोहसिन रजा भी थे हमारे साथ, वो भी हमारे साथ हॉस्टल में थे। तो क्या है, हम लोग के लखनऊ के जो भी लोग थे, इजहार भाई थे, राजेंद्र प्रसाद आर्या जी थे, ऐसा मुझे जो नाम याद है मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग हॉस्टल में थे, 5 बजे उठना, और उसके बाद 5 बजे हम लोग उठते थे, पहले तो बड़ा आलस लगता था, फिर 7 दिन बाद मेरे बड़े भाई आके अप टू डेट, तो उनके डर के मारे, वो डर एक अच्छा डर था कि जिंदगी में, लाइफ में आपको एक अच्छा डर भी होना चाहिए। बिल्कुल, जिंदगी में बिल्कुल। मैं बहुत उस जब 18 साल की एज में मैंने नौकरी कर ली थी, पहले रिजर्व बैंक में था, फिर स्टेट बैंक में आया, मैंने ONGC छोड़ी, मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया छोड़ा, वहाँ मैंने नई नौकरी करी। तो क्या है, एक डर लाइफ में, अच्छा डर, पॉजिटिव डर होना चाहिए कि यार ये करूँगा तो गलत चीज़ के लिए कोई ऊपर मुझे देखने वाला है, तो उससे आप सही संगत पे रहोगे। आपको हॉस्टल में अच्छे लोग भी थे, ख़राब लोग भी थे, लेकिन हम लोग एक अपने अरबी जो बेस्ट खिलाड़ी थे उनके बीच रहते जिससे इम्प्रूवमेंट कर पाए। पंत सर हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शन थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम लोग अल्मोड़ा ले गए थे पंत सर, हम लोग कफनी ग्लेशियर गए, पिंडारी ग्लेशियर गए, वहाँ पे हमने ट्रैकिंग करी, वो भी नया अनुभव था, क्रिकेट हॉस्टल की वजह से मिला, जिसकी वजह से हमारे पैर स्ट्रांग हुए, अच्छी आबो हवा में रहे 15 दिन, ये भी एक अच्छा अनुभव। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। तो स्पोर्ट्स हॉस्टल में हम लोग का एक अपना अलग ग्रुप था, हमें अभी भी याद है, हम, ज्ञानेंद्र और 4-5 लोग जो एक अलग ग्रुप बना के रहते थे और हमेशा पॉजिटिव बातें करते थे। और सबसे ज़्यादा मुझे, अगर कुछ भी, अगर मैं आज खेला हूँ या जो भी कुछ क्रिकेट है, तो ज्ञानेंद्र भाई हमारे साथ पक पे रहे और हमेशा उन्होंने मुझको डांटा। अगर मैं रन नहीं बना के आया तो मुझे मालूम है कि कोई ना कोई मुझे डांट पड़ेगी, तो वो ज्ञानेंद्र भाई मुझे ज़रूर डांटेंगे। तो ऐसे ज्ञानेंद्र भाई, अब आपने चूँकि बहुत क्रिकेट ऊपर का खेला और आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, कप्तानी की, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उसकी कुछ अगर आपकी कुछ आपके दिमाग में वहाँ के विचार चल रहे हो तो बताएं। कुछ जो बेस्ट अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, जो बच्चों को सीखना चाहिए और कैसे सीखते हैं, ये उनके ऊपर है। जब मैं रणजी ट्रॉफी 1987 में पहला मैच खेला था, तो पहले दिन मुझे पहली बॉल पर ही विकेट मिल रहा था, वो स्टंप छूट गया था, तो मुझे उस दिन पूरा दिन विकेट नहीं मिला, पहला रणजी ट्रॉफी मैच था। तो मैं पूजा पाठ करता रहा, रात में परेशान रहा कि अगला दिन कैसे होगा। तो चाहे अंडर-19 का पहला मैच खेला हो, उसमें भी हमें ऐसे ही रहा अनुभव, चाहे रणजी ट्रॉफी का मैच खेला हो, चाहे दिलीप ट्रॉफी का मैच खेला हो, चाहे देवधर ट्रॉफी का मैच खेला हो, चाहे इंडिया का पहला मैच खेला हो, तो अनुभव सेम वैसा ही था। तो दूसरे दिन फिर मुझे 4 विकेट मिले, तो पहले रणजी ट्रॉफी मैच में मुझे 4 विकेट मिले, 17-18 रन बनाए थे। तो हमारे सीनियर थे शशिकांत खांडेकर जी, गोपाल शर्मा साहब, ये हम लोग बड़ा हौसला बढ़ाते थे। शशि भाई हमें हॉस्टल में कहते थे कि सौरव ज्ञानेन, चलो तुम्हें जूनियर इंडिया खेलना, तो ऐसे करके उनका, अच्छे सीनियर थे तो उनकी बातों से हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोग मतलब अंडर-19 में भी मैं कप्तान रहा, अंडर-17 में भी कप्तान रहा, रणजी ट्रॉफी में मैं 7 साल कप्तान रहा। तो जब मैं रणजी ट्रॉफी का कप्तान बना, तो मेरे मन में ये है, मेरे जूनियर कैफ थे और साथ में ये रिजवान शमशाद जैदी मेरे
उबैद कमाल, ये सब मेरे दोस्त साथ के थे जो मैच विनर थे, मैं मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सैफ, ये लोग मैच विनर रहे। ज्योति यादव भी हमारे साथ खेले हुए, हमारे इंडर में खेले हुए हैं, लेकिन जो मैच विनर की अलग वैल्यू होती है, अच्छे खिलाड़ी होने के साथ आपको मैच विनर भी होना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात करें, मैच विनर होना चाहिए। तो हमारे सीनियर नॉकआउट मैं देखता था, तमिलनाडु के खिलाफ एक मैच खेला था जब मैं जूनियर था, अंडर 19 से खेल के आया था। पहला मैच में कपिल पाजी के अगेंस्ट खेला था हरियाणा के खिलाफ, उसमें जैदी ने 16 विकेट लिए थे और मैंने पहली इनिंग में 51 रन बनाए थे और सेकेंड इनिंग में 47 नॉट आउट बनाए थे। तब से मुझे कॉन्फिडेंस बहुत आया। तो फिर जब मैं कप्तान बना तो मेरे मन में ये था कि आज तक हम लोग बॉम्बे से क्यों नहीं जीते। क्या बात, ये मेरे मन में आया कि हम लोग क्यों नॉकआउट में पहला ही मैच हार जाते हैं और नॉकआउट में परफॉर्मेंस क्यों बहुत लोग नहीं दे पाए। तो मैं जब जूनियर था तो मैंने तमिलनाडु के अगेंस्ट 55 नॉट आउट बनाए थे और मैंने 7 विकेट लिए थे उस नॉकआउट मैच में, हालांकि हार गए थे हम लोग। और हम लोग एक बार बॉम्बे के खिलाफ दो दिन के अंदर ऑल आउट हो गए थे, उसमें राहुल भाई कप्तान थे हमारे, अशोक बॉम्बे जी कोच थे, उसमें दो दिन में आउट हो गए। तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तब से मैंने कप्तान आए तो वो दिन मुझे आज भी पल याद है। तो जब मैं कप्तान बना 97 में, मैंने बॉम्बे के खिलाफ खेले थे, फर्स्ट टाइम यूपी हिस्ट्री में हम लोग बॉम्बे के खिलाफ जीते थे, उसमें वेंकट सुंदरम कोच थे, उनका भी अच्छा योगदान था हौसला बढ़ाने में, कई जगह वो चढ़ाए थे जिससे हम लोग अच्छा खेल गए। और जैदी ने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसमें रिजवान ने 50 रन बनाए थे, उबैद कमाल ने 5 विकेट लिए थे, मैंने पहली इनिंग में 100 रन बनाए थे और दूसरी इनिंग में 49 नॉट आउट बनाए थे। 49 नॉट आउट मेरे लिए ज़्यादा बड़ा स्कोर था क्योंकि सेकेंड इनिंग में 120 रन बनाने थे और हमारे 7 विकेट हो गए थे, 80/7 हो गए थे। तो मैंने 49 बनाए थे, उसमें मुझे ध्यान नहीं हो रहा कोई मेरा पार्टनर था, उबैद कमाल थे या कोई था, तो मैंने सिराज बोतले ने एक ही ओवर फेंका था तो उसमें मैंने 2-3 छक्के मार दिए थे, तो मैं और करीब पहुंचा था। तो वहां पे हम लोग जीते, तो वहां से स्टार्टिंग हुई। इसमें कैफ मेरे हम लोग के साथ थे, उन्होंने कप्तान बन के फिर उन्होंने रणजी ट्रॉफी जिताई, हम लोग फाइनल में कर्नाटका से हार गए, उसमें मेरे 60 रन थे। तो जब आप बड़ी जगह परफॉर्मेंस करोगे तो आपको उससे बच्चे भी सीखेंगे आपसे, उससे सीख के उनको लगेगा ये बेस्ट चीज़, जब आप जिताओगे तभी लगेगा, जब नहीं जिताओगे। ऐसे ही दिलीप देवधर मेरी कप्तानी में 98 में जीते, एक साथ दिलीप देवधर रिकॉर्ड आज नहीं टूटा है, कल टूट जाएगा, लेकिन उसमें भी मेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कप्तानी में परफॉर्मेंस थी। कप्तानी के बाद आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा करना पड़ेगा, तभी लोग आपको इज्जत देंगे। यस, तभी आप लोग और ज़्यादा अच्छे कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो। ये मेरा अनुभव है, दिलीप ट्रॉफी इंडिया ए का भी मैं वाइस कप्तान था और दिलीप देवधर का भी कप्तान था, रणजी ट्रॉफी में 7 साल कप्तान था। ये मेरा अनुभव कहता है लाइफ में कोई चीज़ आसान नहीं है, लेकिन लाइफ में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। यस, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। तो यही था। और ज्ञानेंद्र भाई, आपने इतना अच्छा क्रिकेट आपने खेला, आप बड़े खिलाड़ियों के संपर्क में आए, कुछ उन खिलाड़ियों की यादें अगर आपके जहन में चल रही हो तो प्लीज़ हम लोग को शेयर करें, बड़ा अच्छा लगेगा। मैं प्रवीण आमरे जी से बड़ा इम्प्रेस हुआ था। मैं मेरा आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जी। मेरा इंग्लैंड के खिलाफ 55 रन बनाए थे, मैंने विकेट नहीं लिया था, लेकिन ग्रहम गुप्त साहब कप्तान थे, अंडर 25 इंडिया खेलने गया था जी, उसमें हमें कुरैशिया ने 100 रन बनाया था, मैंने 55 रन बनाया था। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, उसमें फिर मेरा दिलीप ट्रॉफी में स्टैंड बाई लगी थी जी। तो मुझे मेरे नेशनल सेलेक्टर थे, उन्होंने मुझे वो सेंटर जोन के भी सेलेक्टर थे, मुझे रात 10 बजे बताया गया कि आपको अगले दिन खेलना है, यूसुफ भाई कप्तान थे। तो मैंने पहले ही मैच में 39 और दूसरे मैच में 100 बनाया, पहली इनिंग में 39, दूसरे में 100, फिर सेकंड मैच में फिर मैंने 77 बनाए और थर्ड मैच में 100 बनाया और 77। क्या बात, तो मैंने हाईएस्ट रन गेटर था उस सीजन में। तो क्या है कि आपको स्टैंड बाई होके आपने परफॉर्मेंस करी और आपको पता नहीं था रात तक आप अगले दिन खेलोगे। मैं 15 दिन बॉम्बे रुका था, UPCA से मुझे बोला गया कि आपको वहीं रुकना है, तो मैं अपने बुआ जी के यहाँ रहता था। तो मैं बॉम्बे में जतिन परांजपे जी थे, वो प्रैक्टिस करते थे, हम लोग साथ अंडर 19 इंडिया खेले थे, तो उन्होंने मुझे बॉम्बे की प्रैक्टिस में 2-3 दिन वहाँ प्रैक्टिस करी। तो आप अगर आप मेहनत करते रहोगे और बिना उम्मीद के ईमानदारी से खेलते रहोगे तो एकदम सुपर वाला आपको चीज़ें दे देगा।
ये आपका मेरे को लगता है सचिन सर से भी अच्छा संबंध रहा होगा और भी सीनियर क्रिकेटरों से, तो उनकी कुछ, राहुल द्रविड़ जी से भी आपके बहुत अच्छे संबंध हैं मुझे जहाँ तक मालूम है, उनकी कुछ यादें आपके जहन में, वो कैसे थे, क्या था? मैं सचिन सर के साथ तो उतना नहीं खेला, लेकिन मैं उनके, जब भी मैंने उनको विश किया उनका जवाब आया, और मैं एक दो बार इंडिया टीम में न्यूजीलैंड के खिलाफ था तो वो थे, बहुत ही हम्बल थे, बहुत डिसिप्लिन थे। मैंने इंडिया की कैप नहीं पहनी थी नाइक की, तो उन्होंने कहा इंडिया की कैप पहनो तुम, क्या बात है। तो काफ़ी चीज़ें, जैसे राहुल जी के साथ मैं अंडर 19 साथ खेला हूँ, फिर मैं इंडिया टीम में ज़्यादा नहीं खेला तो, लेकिन मैं नेशनल सेलेक्टर था तो राहुल जी के टच में ज़्यादा रहा। उनका पेशेंस होना, उनका मतलब इतने हम्बल थे, इतना विल पावर उनका स्ट्रांग है, वो अंडर 19 के बच्चों के साथ लगते नहीं थे कि वो लेजेंड हैं साथ में, वो भाई, बड़े भाई की तरह रहते थे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, कभी इरीटेट होते हुए नहीं देखा मैंने उनको, तो ये सब सीखने वाली चीज़ें, यही चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये सब सीखिए। जानू भाई, अंत में चूँकि आपने इतना क्रिकेट खेला है, और यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज प्लीज़ दें। यंगस्टर के लिए यही मैसेज है कि आप अपना पेशेंस रखिए, मेहनत करते रहिए, हार नहीं मानिए। यस। खिलाड़ी के अलावा मैंने एज ए ऑफिशियल मिस्टर राजीव शुक्ला सर को देखा, उन्होंने मुझे उत्तराखंड में अपेक्स का मेंबर बनाया और उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। उनमें भी मैंने देखा है वो कितने लोग उनसे नेगेटिव भी रहते हैं तब भी वो पॉजिटिव रहते हैं, और उन्होंने यही बोला, सबको ले कर चलो, सबको बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करो, किसी से वो मत दुर्व्यवहार नहीं करो। तो ये काफ़ी चीज़ें राजीव शुक्ला सर ने एक घंटा बैठा के मुझे, उत्तराखंड क्रिकेट बेस्ट मेंबर था वहाँ पे रह के, ये भी काफ़ी सीखने को मिला मुझे। देखिए कितनी बड़ी बातें आज ज्ञानू भाई, कितने नम्र हैं, कितना इनका व्यवहार, और मैं पूरा थैंक यू कहूँगा ज्ञानू भाई को कि आप हम लोगों से जुड़े, हमारी इस यूट्यूब चैनल पे आए। थैंक यू ज्ञानू भाई, टेक केयर।